आज पहुंची है चंबा के अंदर। इसका एक नज़ारा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से भी देखेंगे। मुद्दा यह है कि जिस तरह से छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया, उस छठे वेतन आयोग की त्रुटियों को लेकर हम लगातार सरकार से संपर्क करते रहे, ज्ञापन देते रहे, सरकार को हम समय देते रहे। पहले हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी। सरकार ने अपने चाटुकार नेता वो दरबारी लोग जो है आगे कर दिए, वो सरकार का गुणगान करने लगे। हमें इस बात से बहुत हम दुखी है कि जो लोग कर्मचारियों के नेता और हितेशी होने का दावा करते हैं, उन्होंने एक शब्द भी त्रुटि के ऊपर नहीं कहा, उनको कभी वो त्रुटि नजर नहीं आई। जब जब हम मामले को उजागर करते रहे, उसको वो दबाने के लिए आगे आते रहे, फिर उनको त्रुटियां नजर आती लगी, फिर उन्होंने ये हवाला दिया कि हम फाइलों में लगे हैं, फाइलों के माध्यम से काम हो रहा है, हो जाएगा। वो हमारी इस मुहिम को कमजोर करने का प्रयास करते रहे, बार बार कहते रहे कि इनके साथ 40 लोग नहीं है, 40 संगठन बताते हैं, ये कभी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उनके मुंह बंद हो गए, आप देख रहे हैं, उनके साथ जवाब नहीं है। मंडी में जिस तरह से जन आक्रोश कर्मचारियों का आपने देखा, उसके बाद कल कांगड़ा में देखा, उसकी एक और झलक आज चंबा में दिखेगी। तो मैं उन भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि अब शायद आपके होश ठिकाने आगे हो गए, आप कर्मचारियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हिमाचल का कर्मचारी जागरूक है, वो अपने अधिकार को लेना जानता है, वो किसी के तलवे चाटने नहीं जानते। जरूरत नहीं हमें, हम किसी एक के नौकर नहीं है, हम सरकार के नौकर है, सरकार की नौकरी कर रहे हैं। और हम सिद्धांतिक मांग कर रहे हैं, हम एक रुपये आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे। हम ये बोल रहे हैं जो पंजाब का एग्रीमेंट MOU 1978 से हिमाचल का पंजाब के साथ है, उसके तहत जो वेतनमान 1/1/2016 को हिमाचल के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, उस वेतनमान की मांग हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कर रहा है। हम सिर्फ वो मांग रहे हैं, उसके लिए आप आज बात कर रहे हैं। जब इतना विरोध हो रहा है, इतना दबाव सरकार के ऊपर पड़ रहा है, कि कल आनंद फानंद में वो कमेटी बनाने की बात की, अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, हम उस कमेटी को खारिज करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो कमेटी किसके लिए बनाई, कमेटियां मामलों को दबाने के लिए बनाई जाती है। हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हम किसी रूप में कमेटी को स्वीकार करने वाले नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए। अब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है या ACS फाइनेंस है, वो हमें वार्ता के लिए बुलाए, क्योंकि दर्द हमें है, मुद्दा हमने उठाया है। आप बार बार दरबारी लोगों को बुला के मामले को दबाना चाहेंगे तो ये आक्रोश, ये ज्वाला इतनी भड़क जाएगी, इसको संभालना हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। हिमाचल सरकार के खिलाफ जो रोष व्यक्त कर्मचारियों का आज है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बात को मुख्यमंत्री को समझना ही चाहिए और समझना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप हमें बुलाइए, और नहीं भी बुलाइए तो फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, जो पंजाब ने दिया आप उसको दे दी, हमारे को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम आपके दरबार में नहीं आना चाहते हैं, हमें उसकी हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम हिमाचल के कर्मचारियों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। जब तक हमारे कर्मचारियों को हक नहीं मिलेगा, साथियों, हम मीडिया के माध्यम से भी ये कह रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। हम ब्लॉक लेवल तक आंदोलन ले जाएंगे। हम ये सरकार ना सोचे कि एक दिन हम सचिवालय में या विधानसभा में आएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। जो ये हमारा मांग है, हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, आप पंजाब से डेविएट हुए हैं। हम ये चाहते हैं 1/1/16 को आप पंजाब के बराबर मूल वेतनमान दे दें, वो चाहे नए कर्मचारी है चाहे पुराने कर्मचारी है। वहां दिक्कत क्या हो रही है, हमारे कर्मचारियों को 3,000 से लेकर 10,000 की बेसिक जो है पीछे हो रही है। वो आंकड़े मैंने बार बार दिए है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसको देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी जब हम मुद्दा उठाते हैं तो पीछे आ जाते हैं। हमने 15% का उठाया, उन्होंने पीछे राग लगा दिया 15%। को लगता है कि 15% होने वाला है तो क्या बोलते हैं, हम फाइल लेके चले हैं जी, होने वाला जी, हम करा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप करा रहे हैं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप ही करा लो, पर करा दो ना, तो टुकड़े टुकड़े करके तो मत दो ना हमारे को। पर उस 15% देने से कितनों को फायदा हुआ है, उनको आंकड़े नहीं पता, उनको नहीं पता कितनों को फायदा हुआ। वो बोलते हैं हमने फायदा दिला दिया, धन्यवाद करने शुरू हो गए। लेकिन आज हमने बोला कि हमें जो है राइडर खत्म करना है। तो कल मैं एक दो मित्रों की देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि अब सरकार मान रही है, हम काम कर रहे हैं, अब 2 साल का राइडर खत्म होने वाला है। और वो बोलते हैं कि निश्चल की बात हम बाद में करेंगे। तो मैं कहता हूं, अगर आप 2 साल का राइडर की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेने कहीं चले जाओ, ज्ञान ले लो। आपको बताऊं, जिस राइडर की बात कर रहे हैं आप, उस राइडर को 2 साल की कंडीशन हटाने के बाद भी हमारा कर्मचारी जो हिमाचल सरकार ने, पंजाब तो बहुत दूर है, जो हिमाचल सरकार ने इनिशियल स्टार्ट किया ना सर, जहां दिया है वहां नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल कोट करके बताऊं, लेक्चरर का इनिशियल स्टार्ट जो है पंजाब के अंदर 49,900 रुपए, हमारी मांग 49,900 की है, बेसिक, खाली बेसिक। और हिमाचल कितना दे रहा है, 43,000, अब 7,000 पीछे बेसिक में है। और फिर आप बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, 2 साल का राइडर हटा देंगे। अगर आप 2 साल का राइडर हटा देंगे, इनिशियल छोड़ देंगे,
तो उसकी गणना 15% के साथ अगर होती है तो वो पहुंचता है व्यक्ति 38,000 में। अगर मैं आंकड़े गलत कह रहा हूं तो आप उसको चेक कर दीजिए, 38,000 कुछ में व्यक्ति पहुंच रहा है। तो आपका इनिशियल स्टार्ट 43,000 है, आप 2 साल की शर्त हटाने की बात कर रहे हैं, उस शर्त से आप पहुंच रहे हैं 38,000 में, तो आप तो 43,000 नहीं पहुंच रहे। हमने पहुंचना कहां है? 49,900 में पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? वो तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप इनिशियल जो स्टार्ट है उसको बहाल नहीं करेंगे, पहली बात। उसके साथ साथ जो एनोमली हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की हो रही है वो एनोमली 4/9/14 के कारण हो रही है। एक साथ के लगे हुए कर्मचारी क्या हो रहा है उसमें, मान लो मैं कल भी एक एग्जाम्पल कोट किया था, एक डेट में JBT लगा है और उसमें कुछ लोग पदोन्नत होकर CST बन गए, कुछ लोग जो है वो HT बन गए। आज क्या हुआ, जो एक 2016 की फिक्सेशन हुई उस नए स्केल में जनवरी 22 में जो JBT है वो CST से आगे निकल गया, CST JBT से पीछे रह गया, जबकि JBT के बाद HT बनता है फिर CST बनता है, और उसके साथ का JBT जो है वो TGT से आगे निकल गया। इस तरह की एनोमलियां है साथियों, इन एनोमलियों के बारे में अगर हम नहीं जागरूक हुए तो हमें लगता है कि हमें पढ़ा लिखा होने का कोई अधिकार नहीं है और हमारी समझ का और हमें एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हायरार्की होती है पोस्ट में। आदमी पदोन्नति लेता है तो वो ऊपर जाता है, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ती है, उसका तनख्वाह बढ़ती है, उसका पे स्केल बढ़ता है। तो मैं बोलूं आपको कि CST कम तनख्वाह लेगा JBT ज्यादा लेगा, ये क्या न्याय है? एक TGT कम तनख्वाह लेगा JBT ज्यादा लेगा, ऐसा हजारों केस ऐसे इस वक्त जो है हिमाचल सरकार और वित्त विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए जो सरकार को गुमराह करते आए। बाल्दी जी की जो देन है ना, वो देन आज तक चली है, उसके बाद जो अब आज के अधिकारी बैठे हैं वो भी इसी तरह फाइलों में उलझा रहे हैं, मुख्यमंत्री को उलझा रहे हैं, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि कमिटी बनाओ उसको, मामले को दबा दो। तो हम उनको सचेत करना चाहते हैं, कर्मचारी पढ़ा लिखा है, जागरूक है, आप उसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप जितने मर्जी चाटुकरों को खड़ा कर दे, लोग उनको नकार रहे हैं, उनके खिलाफ आप देख रहे हैं लोग किस तरह के नारे भी लगा रहे हैं, कितना गुस्सा उनके खिलाफ है। आज जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाए इसमें 41 से बढ़कर 40 कर्मचारी संगठन इसमें आगे हैं और सब में एक अपने हक को लड़ने के लिए एक वो आगे आ रहे हैं, उनका समर्थन हमारे साथ है और सभी जो है हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप आज देखेंगे आज किस तरह से सभी अब कार्यकारिणी बनेंगी, कितने विभाग है उसके बारे में आपको अभी इसके बारे में बताया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री को, वो स्वस्थ होकर आज शिमला पहुँच रहे हैं, हम उनका जो है स्वास्थ्य की कामना करते रहे हैं, वो स्वस्थ हो गए बड़ी अच्छी बात है, वो शिमला आए तो हम मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ को वार्ता के लिए बुलाएंगे और इस गतिरोध को तोड़ेंगे, अन्यथा हमारी जो रूपरेखा तैयार है इसके 27 को भी हमारा जो है उसमें हमीरपुर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन है, उसके बाद आगे की रूपरेखा भी हमने बना ली है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, मूल वेतन में हमारा 8,000 5,000 3,000 6,000 का फर्क पड़ रहा है तो पूरी सैलरी में 20,000 तक का फर्क पड़ रहा है, और आने वाले समय में रिटायरमेंट तक या रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन में उसका कितना नुकसान होगा उसकी आप कोई गणना नहीं कर पाएंगे, एक बात है। दूसरा जो मुद्दा लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं हम भत्तों को लेके, हमारे जो भत्ते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है, हम चाहते हैं कि जो भत्ते हैं वो पंजाब के बराबर मिले या केंद्र सरकार के बराबर मिले, अगर वो भी सरकार नहीं दे उनके आधे दे दो हमारे को, अगर आप आधे में नहीं दे सकते तो चौथा हिस्सा तो हमें भी दे दो। आप तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कर रहे हैं, 16 साल पहले हमारे भत्ते भरे हैं, वो बढ़ेंगे कब? उसकी नोटिफिकेशन भी साथ ही होनी चाहिए। एक जो 5,910 के पेमेंट के लोग हैं जिनको 15% की हाइक से फायदा हो रहा है उसमें साफ लिखा है जो 15% लेंगे उनको रिकवरी की के बारे में कोई क्लियर नहीं कहा, एक तो कहा कि हम एरियर नहीं देंगे पर रिकवरी उनकी स्टैंड कर रही है, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी रिकवरी को के बारे में सरकार का क्या स्टैंड है आप बताइए, आप एक लेटर इशू करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की, किसी तरह की कर्मचारी की कोई रिकवरी नहीं होगी तब हम मानते हैं कि हमारा जो फाइनेंस विभाग या हमारी सरकार जो है वो सच में कर्मचारियों के साथ न्याय कर रही है, ऐसा नहीं है। और एक और बात कहना चाहता हूं, आशा जुडिशरी के लोग यहां बैठे होंगे, मुझे डिफरेंट कॉर्नर से फोन आए, हिमाचल प्रदेश के सबॉर्डिनेट जुडिशरी के 3200 एम्प्लॉई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेवाएं दे रहे हैं उनको हिमाचल प्रदेश वेतन आयोग लागू करना भूल गई, उनकी एक बड़ी मांग है कि हम भी न्याय व्यवस्था में काम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है और हम जो है हम भी वेतनमान चाहते हैं और हमेशा होता रहा है, उनका वेतनमान को रिवाइज करना चाहिए था और क्यों भूल गई इतनी बड़ी मिस्टेक, क्या ये हिमाचल प्रदेश के जो वित्त विभाग उनको नहीं बताया?
तो इस तरह की सरकार चल रही है, मुझे लगता है सरकार की स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा काम हुआ तो ये सरकार के लिए आने वाले समय में, अभी म्यूनिसिपल के इलेक्शन होने हैं, फिर आगे जाके उसके इलेक्शन होने हैं, विधानसभा के होने हैं, तो मुझे लगता है सरकार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते हैं, हम सरकार के विरोधी भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगों के ऊपर सरकार बात नहीं करेंगी, हमें उसका जो है जवाब नहीं मिलेगा कि हम क्यों डेविएट हुए पंजाब से, मेरा कर्मचारी एक रुपए भी पीछे क्यों है, उसका जवाब पूछना चाहते हैं हम। जब तक वो जवाब नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा और एक बढ़ता रहेगा, एक आक्रोश के रूप में ही आगे बढ़ता रहेगा। मुझे ये आज कहना था, बाकी रैली हमारी जो होगी हमें चाहूंगा कि उसको भी आप कवर करें, ताकि एक मैसेज जो है जरूर जाए चंबा से कि कर्मचारी एकजुट है कि नहीं है, जो ये एनजीओ के लोग हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं। हालांकि एनजीओ की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो विनोद कुमार जी है, विनोद कुमार जी जो है एनजीओ के अध्यक्ष का जो सिस्टम था इनका, उस सिस्टम के तहत जो है चुनाव जो हुए थे उनको कर्मचारियों ने चुना था। हालांकि एनजीओ के अंदर जो है बहुत कम विभाग रह गए, वो लगभग 30% कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करता अगर मैं बताऊं, लेकिन जो जितना भी करता है उसमें विनोद कुमार जो ठाकुर जी है उनका जनाधार था, उनको कर्मचारियों ने चुना था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो है सीधा हस्तक्षेप कर जो है कर्मचारियों को जो है बांटने का प्रयास किया, वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जिसके साथ ना कर्मचारी है, ना समझ है, ना सोच है, ना उसको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कर्मचारियों की बात को रखना है। वो सिर्फ वो खुद कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ने बनाया है, अरे आपको बनाया होगा पर हमें तो कर्मचारियों ने बनाया है। हमें कहते हैं कि ये तो रजिस्टर संस्था नहीं है, ये तो ऐसे इलीगल चल रहा है। इलीगल और लीगल कुछ नहीं होता है, जहां जन सैलाब होता है, जहां डेमोक्रेसी के अंदर कर्मचारी या लोगों का समर्थन होता है वो लीगल होता है, जिसके साथ नहीं होता है उसको चाहो जिसका मर्जी आशीर्वाद हो वो इलीगल हो जाता है। ये बात उनको समझने की जरूरत है, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।